Look, I'm going to talk to you about many things, like we did last time. You may think that I'm a mathematician and I will talk about mathematics, but there will be other things. And the idea is this. Do you know why your course is called Bachelor of Technology Humanities? Where is the technology in this humanities program? Kahan par hai? Did you think about it? तुम अपना इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे ये सब सोचा इसको टेक्नोलॉजी फिर क्यों नाम दे दिया इंटरेस्ट तो आप हर कोर्स में देख सकते हैं हम छूट दे रहे हैं आपको टेक्नोलॉजी हम बीए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें भी तमाम छूट है फोर ईयर प्रोग्राम में बच्चा जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ चाहे तो संस्कृत में माइनर ले सकता है तमाम तरह की छूट है तो ऐसा क्या है क्या वजह है इसको क्यों कहते हैं कोई अंदाज टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज दो बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं उन्हें हाँ. मिक्स करके बनाएगा तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया ये तुम्हें क्यों लगता है टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज भिन्न है व्हाई डू यू से दे आर अलग क्या है टेक्नोलॉजी किसको आप समझते हो टेक्नोलॉजी की क्या आपके मन में परिकल्पना या परिभाषा क्या है बताओ बेटा एप्लीकेशन ऑफ साइंस एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी गिव मी एन एग्जांपल Like we need to calculate something and we know the method, we know the science. But technology is that which can make that thing, by which we can make that calculation easily, like in computers. Okay, any other idea of why, what is technology? Yes, tell me. I think application of mind is technology. So application of mind. Yeah, so any Give me an example. Coming up with... So all I'm saying is that technology is not something that's restricted to science in my mind. I mean, it doesn't have to be science innovations only. Even if in a society, in a construct of society, you create a new way of living or, giving people daily jobs in a new innovative way where it helps the government, helps them, that could be technology too. Application of mind, she said. Any additions to this, alterations to one definition from here, one from here? Yes. It's the part of life. For example, this is technology, the projector and that screen. And before that, blackboard was also technology. So we can't. He raised his arm. He moved it. Mm-hmm. Is there any technology in that? Knowledge of tools. Knowledge of tools. Did you check this on the web? Okay, now let's do a Google technology definition. Just do a Google quickly, everybody. Main kehta hoon na ek din. गूगल ईश्वर को ये भी ऊपर चढ़ जाएगा सब कुछ गूगल से ही प्राप्त हो रहा है देखिए जल्दी से लेट्स सी व्हाट यू कैन टेल मी आई एम गिविंग यू वन मिनट फ्लैट टेक्नोलॉजी डेफिनेशन दो कीवर्ड सब लोग कर लें फिर बताइए आप क्या परिभाषा है सर टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्नी व्हिच मींस आर्ट और स्किल आर्ट डिड यू सी दैट आर्ट समबडी सेड ह्यूमैनिटीज और टेक्नोलॉजी दो भिन्न चीजें हैं दे टू सेपरेट देयर इज आर्ट हियर ओके मूव अहेड आगे इट्स आर्ट एंड इट्स लॉजिक आर्ट एंड लॉजिक आर्ट एंड लॉजिक ओके टू थिंग्स ये किसकी परिभाषा है किसने दिया ये कहां से लिया विकिपीडिया और कहीं भी ढूंढिए कभी कभी विकिपीडिया बहका भी देता है परंतु किसी को आपत्ति है डज एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस आर्ट एंड लॉजिक टू कीवर्ड्स हियर यू एग्री ओके लेट्स हैव मोर डेफिनेशंस समबडी वांट्स टू इलैबोरेट ऑन दिस यस कैपेबिलिटी गिवन बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओके नाउ लेट मी आस्क यू सो Suppose you read a book on poetry. कोई आपका प्रिय कवि है नाम बताओ मैं बताता हूँ Good. फैज अहमद फैज की एक बड़ी मशहूर गजल है गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले सुना है आपने कभी नहीं नहीं सुनते पोएट्री नहीं पढ़ते अच्छा सुनो गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. आया समझ में सबके? अच्छा, अब ये तो पोएट्री है, राइट? सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज आपने प्राप्त किया, इसमें लय है, ये सुंदर शब्द हैं, कुछ बैलेंस है, पोएट्री अच्छी लगती है ना, ये अच्छा लगा कि नहीं? ठीक. अब मैं कहता हूं गुलशन नाम की एक महिला है जो सब्जी बेचती है, ठीक है, उसका नाम गुलशन है, वो सब्जी रोज बेचती है और वो फैज की ये पंक्तियां ऊपर लगा देती है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. इज दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज? व्हाट डू यू थिंक? ये एप्लीकेशन है, कह सकते हैं लोग जाएंगे ज्यादा सब्जी खरीदने? मैं तो जाऊंगा. Someone who loves poetry, who appreciates Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz का कितनों ने नाम सुना है? कौन थे वो बताओ? Do a Google quickly, everybody. Faiz Ahmed Faiz. तुरंत. I want everyone to tell me. कौन थे फैज? जिन्होंने कभी नहीं सुना था वो हाथ उठाएं, तो उनमें से एक का चयन करूंगा. सिलेक्ट वन हु हैड नेवर हर्ड ऑफ फैज. सो आप हाथ उठाइए जिन लोगों ने सुना नहीं था पहले फैज का नाम. आपने? ओके, यू टेल मी व्हाट हैव यू लर्न्ड. सर, फैज वाज़ एन रेवोल्यूशनरी पोएट. ही वाज हिज पोएट्री more was to create something in something revolutionary in society and to make. आपने हाथ ज़्यादा हिलाया और शब्द कम दिए सर, लेकिन political आपका भावार्थ हम समझ रहे हैं सर. पॉलिटिकल राइटर लग रहे हैं, मैं पोएटर लग रहे हैं थोड़े से. पॉलिटिकल पोएट, थोड़े से पॉलिटिकल और सोशल. कुछ उनकी पोएट्री का कुछ दिया है उदाहरण, कुछ एनी एग्जांपल्स ऑफ हिज पोएट्री कोई आपको दिख रहा है? बेटा तुम सुनाओ, लेट्स हियर यू से समथिंग अबाउट फैज हिज पोएट्री. कैन यू कोट समथिंग? हम देखेंगे, उसपे कुछ लाइन है? एक आध बताओ. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे? नहीं, नहीं मिल रहा. अच्छा, ओके. सो फैज वॉज अ पोएट, ऑब्वियसली ही वॉज अ नॉन ट्रिवियल पोएट, ही वॉज समवन फेमस, तभी आपको आसानी से मिल भी गया गूगल में. तो फैज ने बहुत कुछ, फैज क्रिएटेड नॉलेज एंड विजडम थ्रू हिज पोएट्री. ही वॉज अ ग्रेट पोएट. Created knowledge and wisdom, and you said application of knowledge. Am I right? You said application of knowledge is technology. You said that, right? You said that. Okay. So this lady who does some business quotes a line of Faiz. Is that an application of knowledge, and therefore is this technology in play? Would you call that technology in play? Does it sort of, does it give you a little bit of uncertainty? If I say steam में power होता है और steam से steam engine चलता है और वो rail उसी से चलती थी, तो खट से समझ में आ जाता है ना ये technology है. परंतु किसने कहा कि technology यही है? कैसे ये तय होता है? कहाँ से होता है? How does this happen? कुछ मन में technology के संदर्भ में we decide on our own ये technology है. We need to be a little more circumspect. ये जो प्रचलित notions हैं, generally they are correct, generally and widely they are accepted, but sometimes one should think a little and ask, maybe there is more to it. Now I want to come back to this course, Bachelor of Technology Humanities. Why have we called it that? What you did you not think about it when you came for this course? That this is a strange nomenclature, as far as I know. I have not seen this anywhere. Have you seen it in any other university? So, did you not think there is something odd? You did. फिर भी आप चले आए. क्या वजह थी? क्यों चले आए? कुछ तो सोचा होगा. शायद लैपटॉप देंगे इसलिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे हैं. कौन जवाब देगा? कोई कह सकता है मुझे? ह्यूमैनिटी या साइंस के बारे में जो एक बाउंड्री लाइन खींचते हैं, इस चीज को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश की गई है.
अच्छा चलिए, ये भी मैं मानता हूँ। और कुछ इसमें जोड़ना है, घटाना है कुछ? आप कुछ बोलिए, आज आप कुछ कम बोल रही हैं, क्या बात है? वो बताइए क्या बात है। Did you think about this? Why Bachelor of Technology Humanities? You were not curious about this? हाँ, आपने कहा, बोलिए। सर जैसे बाकी चीजों के लिए बीटेक इंजीनियर्स हैं, हाँ, तो मैंने जो सोचा था मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ, बोलो, बोलो। बीटेक ह्यूमैनिटीज मेरे को ये लगा था कि ये देखो ये एक्टर बनेगा, खड़े होके बोल रहा है कि कैमरा में ठीक से आ जाए। चलो सर, मेरे को जो लगा था, मैंने सोचा था कि बाकी जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी मशीन्स बनाते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं, हम यहाँ के ह्यूमैनिटीज के लिए जो चीज़ें उन्हें सही से चलाने के लिए चाहिए हम वो आगे पढ़ेंगे। मेरे मन में आया था बीटेक ह्यूमैनिटीज को सोच के। ठीक है, के मन में ये था, मैंने तो कहीं कहा नहीं कि ये है या ये नहीं है। जिसको जो भाए, अपना अपना होता है गोल, लक्ष्य, ध्येय, चाहे उद्देश्य, जैसा आपके मन में हो। आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे। तो मेरे मन में तो यही आया था पहले बारी में कि मतलब दो डिफरेंट टर्म्स को मिला के तो मतलब हम मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स में पढ़ेंगे, मतलब एक अलग यूनिक चीज पढ़ेंगे एक तरह से। थोड़ी नई चीज है ये तो समझ गए, yes, इसमें कुछ नया होगा, yes, कुछ हटके होगा, yes, वो नाम से समझ में आ गया। अब हटके तो बहुत कुछ हो सकता है, हम कहें साहब आपकी सारी पढ़ाई छत पे ही होगी, छत पे, ये भी हट गए। लेकिन उससे कुछ ज्यादा गहराई की बात यहाँ लग रही थी आपको, कुछ ये भी लगा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय है, बर्बाद तो नहीं करेगा। ये भी सोचा होगा आपने, सोचा था कि नहीं? तो इस कारण भी इसके प्रति अट्रैक्शन हुआ। डीयू का ये कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए। ये कोर्स 50% हैंड ऑन वर्क पे बेस्ड है जो कि अप्लाइड। ये हटके हैंड्स ऑन वर्क कुछ लग रहे हैं आपको? ये मैंने कहा ना, ये क्या है, ये पकड़ी इन्होंने बात, ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं? अगर मैं घुसा मारता हूँ किसी को, ये भी टेक्नोलॉजी है, परंतु घुसा न मारना कभी। हम कहां, किस देश के वासी हैं? जहां महात्मा गांधी थे, भगवान बुद्ध थे, भगवान महावीर थे, ये अहिंसा का देश है। घूसा न मारना, भलाई के लिए हाथ चलाओ, भलाई के लिए। तो भलाई के लिए भी तो हाथ चलाओगे, ये हैंड्स ऑन है 50%। तो ये टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल हो ही रही है आपकी, यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम। कुछ किया आपने हैंड्स ऑन? डिड यू डू समथिंग? हैंड्स ऑन का ये मतलब नहीं होता है कि हाथ लिटरली चला के हथौड़े, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ यूजफुल, कुछ काम की चीज, कुछ नए तरीके से, ये भी है इसमें। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, हैव यू हर्ड ऑफ कबीर? ओके, नाउ हु विल टॉक टू मी अबाउट कबीर? हु नोज अ लिटिल बिट अबाउट कबीर? मैंने आपको एक कबीर की कविता दी थी, कौन सी? अच्छा, कौन रिसाइट करेगा? सुनाओ भाई, कौन सुनाओ भाई? चलो जोर से सुनाना, सबको सुनना पड़ेगा। तब तक और कोई खोजे है आपके पास? सुनाओ सुनाओ, जोर से सुना ना। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जग रोए, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रसो भीनी, अस्त कमल का चक्र बनाया पंच तत्व की पुनी, नवरस मानस नवदस मानस भुनाना को लागे, मुखरा मैली मूर्खा मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी। जब मोरी चदरिया बने घर आई, रंग राजा को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगों ने लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी। चदरिया ओड़ा ओड़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी, मुखरा लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दस कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यो धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी। इसका अर्थ तुम समझ गई? अच्छा, और किसी और के पास कोई और हटके थोड़ी पंक्तियां हैं इससे?
काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया आठ कंवल दल चरखा डोले पांच तत्व गुण तीनी चदरिया माँ को सियत मास दस लागे ठोंक ठोंक के बीनी चदरिया सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया दास कबीर जतन कर ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसका अर्थ सब लोग समझ गए? Did you try and understand this in your groups? जस का तस धर दीनी रे, क्या मतलब हुआ इसका? कबीर जुलाहा थे, you know that, जुलाहा थे, वीवर थे, हाथ चलाते थे, लेकिन साथ में कविता कितने ऊंचे दर्जे की करते थे, उसके अलावा बड़े महान आध्यात्मिक गुरु थे, बहुत कुछ इस देश को दिया उन्होंने। ये जो चदरिया की बात उन्होंने की है, ये बड़ी सिंबॉलिक है, इसके पीछे क्या है, व्हाट इज इट दैट ही वाज ट्राइंग टू से, क्या कहना चाहते थे। और उस संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा कि गांधी जी ने अपनी चदरिया मैली की या जैसी की तैसी धर दी जैसी पाई थी उन्होंने, क्या कहोगे तुम लोग? आई वॉन्ट ए लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट। कबीर क्या कहते हैं कि मैंने तो वैसे ही उतारी जैसे पाई थी, एकदम बेदाग, कह रहे हैं ना कबीर। आई वॉन्ट टू आस्क यू, जैसा वो इस कविता में कह रहे हैं, क्या गांधी ने अपना जीवन वैसे ही बिताया? डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट दैट? क्यों क्यों कहते हो ऐसा? से जीते रहे, बहुत कम वस्त्र धारण करते थे, खुद से काम करते थे, खुद से सफाई करते थे, चरखा काटते थे, और उनके विचार भी उच्च थे और जीवन भी सादा था, कबीर की ही भांति, और उन्होंने पूरा जीवन दूसरों के हित के लिए काम किया। दूसरों के हित के लिए, ये सारी बातें अपने में महत्वपूर्ण है, ये सत्य है, परंतु गांधी की सर्वश्रेष्ठ बात क्या आपको लगती है? अगर मैं कहूं एक बात गांधी की पकड़नी हो तो क्या था वो एक बात, बोलो। वो हैंड्स ऑन काम में ज़्यादा विश्वास रखते थे, उन्होंने स्कूली कार्यक्रम ब्रिटिश के टाइम में जो होता था उसका भी विरोध करते थे, उनका कहना था कि इंग्लिश सिस्टम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करती है, किल करती है, सो वी शुड अप्लाई सम हैंड ऑन एजुकेशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए वो बच्चों को सफाई का काम भी करने के लिए कहते थे, जहाँ काम करना होता था सबसे पहले खुद करते थे, और स्कूल में बच्चों को उसके बाद देश के लोगों को चरखा काटने के लिए भी कहते थे कि ये आपका एक आप में विश्वास। एक बात पकड़ो गांधी जी, एक बात। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो तुम कह रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु एक बात अगर पकड़नी हो, कोई बोलो। ट्रुथ, व्हाट अबाउट ट्रुथ सर? वो हमेशा सच बोलते थे सर। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो था कि जब वो स्कूल जाते थे तो एक बार इंस्पेक्शन हुई थी तो उनके टीचर ने उनको स्पेलिंग दिखाई थी वो, लेकिन उन्होंने तब भी कॉपी नहीं की उस स्पेलिंग। तो मतलब वो बचपन से ही सच का साथ देते थे और आखिर तक देते रहे सर, मतलब वो सबसे बेस्ट पार्ट था। तुम कुछ कहोगे गांधी जी के बारे में? सर, ही वाज नॉट अफ्रेड टू एडमिट व्हेन ही वाज रॉन्ग, व्हेन ही हैड आई डोंट नो। आप ये बात पकड़ना चाहते हैं कि गांधी जी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए डरते नहीं थे, ये आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात थी? आपकी अपनी सोच है, बिल्कुल अपनी जगह है, आप बताएं। सेम थिंग, करेज। उसके डर के मारे बोल रहे हो या स्वेच्छा से बोल रहे हो? करेज, करेज। गांधी जी करेजियस थे, निर्भीक थे, ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। व्हाट अबाउट दिस टेबल? नो कमेंट्स ऑन गांधी जी? जब तक ये बोल रहे हैं आप सोचते रहिए। हाँ, उनकी नजर में हर इंसान एक समान था, वो भेदभाव नहीं करते थे कि जैसे पहले होता थे कर्म के आधार पर लोगों का बंटवारा किया जाता था कि जो महिला साफ कर रहे वो नीचे जात के हुए, वो जब एक समय की जब उनके घर में मैला साफ करने की बात आई थी तो उनकी वाइफ ने कहा था कि आप मुझसे साफ करवा लो, तो गांधी जी ने मना करते हुए कहा कि साफ करना है तो खुद साफ करो वरना तुम मेरे घर से चले जाओ। तो वो उनकी नजर में सबको समान था, ये नहीं कि वे कठोर थे। निकल जाओ, मूवी में देखा था। मूवी देखे, पढ़ा कुछ नहीं? पढ़ा। कौन एक्टर था? नहीं मालूम। अच्छा, मूवी में उन्होंने कहा निकल जाओ, बट उनकी नजर में सबको सेम था, ये नहीं कि वो मेरी बीवी है तुमको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, in that movie also won Oscar for designing, for dress designing, costume design. And therefore, just wanted to remind you. On the context of this Jeeni Veeni, I feel that like the poem says, to give your chadar to someone, so I feel that Gandhi had a selfless life. He just admitted his life to somebody else and put it on others and give them a background just to come up. I feel. मैं तुमको एक कोटेशन सुनाता हूँ महात्मा गांधी का।
है. ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है गांधी जी के बारे में. अब ये ना पूछना रविंद्रनाथ ठाकुर कौन थे. ये कुछ दिन पहले मुझे कहीं उपलब्ध हुआ तो मैंने उसकी फोटो ले ली. ही, ये गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, stopped at the thresholds of the huts of the thousands of the dispossessed, dressed like one of their own. He spoke to them in their own language. Unki bhasha bolte the, garib ki. Here was living truth. Samajh rahe ho? Jeeta jagta satya. At last, आखिर एक जीता जागता सत्य मिल गया. एंड नॉट कोटेशंस फ्रॉम बुक्स. किताबों में तो बहुत कुछ मिलता है, ये है वो है, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ये. यह व्यक्ति क्या कर रहा था? जैसा कह रहा था वैसा करके दिखा रहा था. एंड फॉर दिस रीजन द महात्मा, that name given to him by the people of India is his real name. Kya keh rahe hain Rabindranath Thakur? And for this reason, the name Mahatma given to him by the people of India is his real name. Sahi hai, uchit hai. Ye malum hai na aapko, Mahatma ka khitab unko Rabindranath Thakur ne hi diya tha. The name given to him by the people of India is his real name. Who else has felt like him that all Indians are his own flesh and blood. Har Hindustani ko wo apna hi mante the. Kabhi bhedbhav nahi kiya, har Hindustani ko. Ek bar ek gaon mein gaye, ek chota sa bachcha aaya. Usne kaha, Bapu tum kurta kyon nahi pehante ho? Khule badan rehte ho. To Bapu ne kaha ki mere paas beta hai nahi itna dhan ki main kurta bana sakun. तो उस बच्चे ने कहा, बापू मेरी माँ अच्छा सिलती है, तुम्हारे लिए भी बना देगी, अभी बनवाता हूँ. तो बापू ने कहा, मैं जरूर पहनूंगा बेटा, लेकिन मेरे कुछ भाई बहन भी हैं, उनके पास भी नहीं है कपड़े. तो उसने पूछा कि अच्छा कितने हैं मुझे बताओ, माँ अभी बना देगी. तो गांधी जी ने कहा, जो हिंदुस्तान की आबादी थी ना, वो जनसंख्या, वो उन्होंने पूरा नाम बताया, कहा इतने लोग हैं, जब उनको मिल जाएगा तो मैं भी पहनने लगूंगा. ये उनकी सोच थी. दिस इज द वे ही थॉट. सो ही आइडेंटिफाइड, ही फेल्ट लाइक देम, ही थॉट लाइक देम, ही लिव्ड लाइक देम. इसी को लिविंग ट्रूथ कहते हैं. हु एल्स हैज फेल्ट लाइक हिम दैट ऑल इंडियंस आर हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड. इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ट्रूथ द क्रश्ड फोर्सेस ऑफ द सोल राइज अगेन. जब सत्य से संबंध जुड़ता है तो अंतरात्मा जो दबी हुई है वो फिर से उभर के आती है बाहर, फिर खिल के आती है बाहर, उसको बल मिलता है. यही गांधी ने किया. सत्य के आधार पर सबको जगा दिया अंदर से. ये देश जैसे निर्बल दिशाहीन पड़ा हुआ था, गांव-गांव घूम के सबके साथ वही बोली बोलकर वैसा रहना करके सबकी आत्माओं को छू लिया और सत्य से बल दे दिया, तो देश जाग उठा. ये थे वो गांधी हुज लव केम टू द डोर ऑफ इंडिया. उनके प्यार हिंदुस्तान के द्वार पे वो अपना प्यार ले आए थे. दैट डोर वॉज ओपन्ड वाइड एट गांधीज कॉल. इंडिया ब्लॉसम्ड फोर्थ टू न्यू. जब उन्होंने पुकारा तो भारत फिर से एक नई ऊंचाई की ओर उठा. आप लोग तो खैर पैदा नहीं हुए थे, मैं भी नहीं हुआ था, परंतु मैं कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो गांधी के साथ रहे थे. बचपन में मेरा उनसे भी साथ रहा. कहते हैं कि एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी थी देश में, फिर से देश जाग उठा था, लगता था हम कुछ कर सकते हैं, एक बार आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, स्वाधीन हो जाएंगे. वंस वी आर इंडिपेंडेंट we will create a new greater better India. ye ek atmavishwas, this optimism. dekho man ko pehle mazboot karna bahut zaruri hai. jo man se haar gaya wo sab cheez se haar jata hai. to unhone man logon ka jo hai phir se mazboot kar diya tha. ye bahut badi cheez thi.
At Gandhi's call, India blossomed forth to new greatness, just as once before in earlier times, when Buddha proclaimed the truth of fellow feeling and compassion among all living creatures. जैसे भगवान बुद्ध ने किया था एक बार, वैसे ही गांधी ने किया. ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा. रविन्द्रनाथ ठाकुर कितने महान थे अपने में, वो गांधी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं. तो मेरे समझ से, ये मेरी अपनी अवधारणा है, आप अपनी अपनी रख सकते हैं, इसमें कोई एक रूल नहीं है, परंतु गांधी जी के लिए सत्य और सत्य से उत्पन्न होते हुए जितनी और निष्कर्ष थे वे प्रधान थे. सत्य और अहिंसा को मान के चलते थे. इसीलिए जब सत्य सामने पड़ा कि भारत गरीब है, भारत दुर्बल है, ये सत्य है, तो इसे हमें हटाना है. गरीब है, गरीबी हटाना है. तो उन्होंने तमाम कितनी परियोजनाएं चलाई, क्या सोच बदल दी देश की, क्या नहीं किया. सिर्फ आजादी की आवाज नहीं दी थी गांधी ने, बहुत कुछ किया था. चरखा कातने को कहा. क्यों कहा चरखा कातने को? चरखा कातने को उन्होंने कहा क्योंकि गांव का गरीब इंसान, उसको रोजगार ही नहीं था, कुछ करने को नहीं था. कभी भी आप अपने जीवन में कभी थोड़ा सा फिजिकल लेबर करके देखो, करके देखो, एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी करके देखो, कुछ भी, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे फावड़ा चलाओ, चाहे गाड़ी को साफ करो, देखना आत्मशुद्धि हो जाती है, मन थोड़ा साफ हो जाता है, चरित्र का निर्माण होता है. तो गांधी ऐसे ही नहीं कह रहे थे. जब आप खाली बैठे हो, कुछ करने को नहीं, आमदनी नहीं है, तो चरखा कातो. कबीर भी तो थे जुलाहा, कहां से कहां उठ गए थे. चरखा कातो, जिन लोगों ने काता है तमाम, वो बताते हैं, वो लिख के गए हैं कि कितना फर्क आया, कितना अंतर आया उनके जीवन में. व्हाट डिफरेंस इट मेड व्हेन यू वर एक्चुअली स्पिनिंग द व्हील. बट व्हेन यू डू समथिंग गुड, देन मेनी अदर गुड थिंग्स फ्लो फ्रॉम इट. तमाम अच्छी बातें आती हैं. तो आप थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आत्मशुद्धि हो रही है, मन के विचार बदल रहे हैं, योर थॉट प्रोसेसेस आर चेंजिंग, एंड यू ऑल्सो अर्न सम मनी, बिकॉज व्हेन यू स्पिन द यार्न देन इट इज बॉट. खादी तो आज भी खूब बिकता है, तमाम लोग खादी खरीदते हैं. आप पहनते हो खादी? आप में से किसने खादी पहना है कभी जीवन में? अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो खादी बहुत अच्छा लगता है. तो खादी पहनते थे लोग, खरीदते थे, आज भी तमाम लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है खादी से. उस जमाने में जब भारत में कहीं रोजगार ही नहीं था, तो ये करने से तो लाभ भी तो हुआ ना. तो देखो, एक अच्छी चीज, उससे थोड़ी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई, विचार बदला और लाभ भी हुआ. एक तरफ चरित्र का निर्माण हुआ, आत्मशुद्धि हुई, दूसरी तरफ रोजगार भी आया. और ये उन्होंने थोड़े कहा कि सब कुछ छोड़ दो और यही करो जिंदगी भर, और जन्म, हर जन्म में ये कहा कि इसको करते जाओ तो आगे और विकास अपने आप आएगा. और आता है, और भारत में आया है, तमाम विकास आया है. भारत ने खूब प्रगति की है. ये मैं नहीं जानता कि आप लोगों के मन में ये सोच है कि नहीं, दैट इंडिया हैज प्रोग्रेस सिग्निफिकेंटली. डू यू फील लाइक दैट? यू थिंक सो? हु कैन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस? कौन आप में से कह सकता है? बोलो. उस समय मेरी स्थिति इतनी खराब, काफ़ी ज़्यादा खराब थी. हम स्वावलंबी नहीं थे, हमारे पास हर चीज़, हम बहुत सारी चीज़ें विदेश से आयात किया करते थे. उसके बाद से धीरे धीरे मेरे हर चीज़ का, मतलब इकोनॉमी स्टेटस का भी विकास हुआ, और साथ ही साथ हम अपने विश्व मंच पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाते चले गए. और आज भी स्थिति यह है कि आज हमने मंगलयान भेजा है, और वो हम ये देखो, एक उदाहरण देना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो बेटा ऐसा लगता है इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना? तो थोड़ा स्पेसिफिक बातें कहना बहुत जरूरी. मंगलयान, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉलोड द फ्लाइट ऑफ द मार्स व्हीकल? यू फॉलोड इट? वेयर इज इट राइट नाउ? In the news, it just crossed the, it just went out of the earth atmosphere, and now it's heading towards the Mars. It's on its way, it's headed towards the Mars. कहाँ पर है इस समय मंगलयान? कहाँ पर है इस समय? हाँ, outer layer. Outer orbit. Check करो, instantaneously आते हैं bulletins, हर क्षण आ रहे हैं, बताओ.
24 September 2014 को वो मार्स पे लैंड कर जाएगा। बेटा आज कहाँ है मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी वो तो मुझे मालूम है मार्स जा रहा है, सबको मालूम है, अभी कहाँ है? वो तो अब उड़ा इसीलिए है भाई, इस क्षण कहाँ है? अर्थ के ऑर्बिट से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गया है कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। तो मार्स जो जा रहा है वो किस किस के आधार पे जा रहा है? अपने रॉकेट चल रहे हैं उसके या कुछ और है? बताओ, रॉकेट यूज कर रहा है मार्स की तरह बढ़ने के लिए या कुछ और वजह है? सोलर के पैनल, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और इनसाइड भी उसका रॉकेट का ये हो रहा है। इस क्षण वो कैसे आगे बढ़ रहा है मार्स की ओर? रॉकेट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है? सॉरी, सन्स ग्रेविटी एंड लॉज ऑफ द यूनिवर्स। सन्स ग्रेविटी, सो सन उसको थोड़ा खींच रहा है, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो हट गया और सन के ग्रेविटेशन, अपने पास उतना फ्यूल नहीं है उसके पास, अरे छोटा सा यान है, कितना फ्यूल भरोगे? लेकिन इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, दिमाग से, कि अब सन का नेचुरल ग्रेविटेशनल पुल है, अब वो उसको खींच रहा है, लेकिन तो पूरी तरह से खींचने देंगे तो सन में चला जाएगा। तो चुनौती क्या है कि एक ऐसी घड़ी आएगी जब उसको सन के पुल से भी हटके थोड़ा सा मार्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा तुम्हें क्या लगता है, तब क्या करेगा? इंजन ब्लास्ट करेगा, वहां ब्लास्ट करेगा, तब रॉकेट फ्यूल थोड़ा यूज करके थोड़ा मार्स के ऑर्बिट की ओर जाएगा, तो मार्स का पुल उसको खींच लेगा, समझे? वरना इतना फ्यूल डालने लगेंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बन जाएगा फिर कि उड़ेगा ही नहीं, भारी हो जाएगा बहुत। तो ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये मानते हो कि ये भारत के प्रगति का एक प्रतीक है? आपको विश्वास है? अच्छा, और कोई मुझे प्रमाण दो कि भारत ने प्रगति की है से पहले? ग्रीन रेवोल्यूशन। yes. क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? बोलो, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं और क्या चीज है ये? तो ग्रीन क्यों कहते हैं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बोले? और ग्रीन प्रॉब्ली सिग्निफाइज अपने जो क्रॉप है उससे जो क्रॉप्स दैट रियली गेव अस बेटर आउटपुट वर ऑल ग्रीन प्लांट्स। जैसे उदाहरण दो, गिव मी वन क्रॉप, गिव मी वन क्रॉप, व्हीट, राइस, प्लीज। डिड यू नो दिस ईयर इंडियाज व्हीट ग्रेन प्रोडक्शन, व्हीट ग्रेन, राइट, ग्रेन प्रोडक्शन, इंडियाज ग्रेन प्रोडक्शन दिस ईयर इज द हाईएस्ट इन इट्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इतना उत्पादन हुआ है जितना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह है प्रगति की निशानी है कि नहीं? और एक उदाहरण दो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं और बड़े संयम नियम के साथ चलते हैं इलेक्शंस, ऐसा नहीं है कि यहां अराजकता है, बाकायदा होते हैं, ये भी एक निशानी है। और बताओ, बताओ भाई, कुछ इतने ही है बस, 3 ही 4। बाकी देशों में भी भारत का कोई मान नहीं लगा, ऐसे पहले एक बार इटली वाला केस भी हुआ था हाल ही में, तो इटली से उनको वापस भेजा गया, इससे पहले भी फ्रांस के साथ हो चुका था इस तरह का कुछ केस, लेकिन फ्रांस वालों ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया था। तो इंडिया जैसा का तैसा रह गया, केवल उससे ट्रेड संबंध न्यूनतम स्तर तक ले गया था, लेकिन अभी इटली के साथ जब ऐसा हुआ तो इटली वालों ने भारत को थोड़ी सी वैल्यू दी, उनको वापस भेजा दोनों लोगों को। अच्छा, तो भारत का सम्मान विदेशों में बढ़ गया है, सुरक्षा बढ़ी, भारत अब थोड़ा अपने को assert कर रहा है। So at the time of independence, our defense was not so strong, so stronger. That's why we can see the China war and it lost. And now we can see India's defense force in the second number in the world, after US. Okay, I don't know about that. I don't have any figures to support what you said. Third, second. I really don't know, and we can check this out. But yes, we are getting much better. Give me an example of India's progress in defense. Like Agni, Agni, Brahmos, okay, recent one, Brahmos, और कुछ, और Sukhoi हमारा नहीं है, सदा न्यूक्लियर समरी है, लेकिन हमारे पास है, सदा recently न्यूक्लियर समरी में डिफेंस इंडियन नेवी, न्यूक्लियर समरी, भारत ने एक न्यूक्लियर समरी बनाई, उसका निर्माण किया, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया, INS कैरावत, INS, INS,
सभी है विक्रम आदित्य जिसने गोइंग टू बी तो हमने खरीदा है लेकिन हाँ अब हमारे पास है उससे भी हम काफी सशक्त हो गए हैं परंतु भारत अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है ये भी एक निशानी है अच्छा इससे हट के मैं कुछ पूछना चाहता हूँ काला हांडी का किसने नाम सुना है काला हांडी यू हर्ड ऑफ दैट ओके बताओ भाई कोई भी बताए उड़ीसा का एक हिस्सा है जहाँ पे बहुत ज्यादा जनजाति लोग रहते हैं और वो गरीबी और भुखमरी को झेल गरीबी और भुखमरी को झेल रहा है हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ऑफ कालाहांडी एज अ प्लेस वेयर देयर इज फेमिन लैक ऑफ फूड पॉवर्टी हाउ मेनी ऑफ यू इट यूज्ड टू बी बट व्हाट डू यू थिंक नाउ चर्चा में आया था तो इसी वजह से हम लोग सुने उस वक्त पलामू और काला हांडी की बात होती थी और अभी स्थिति बेहतर है मैं डू यू हैव दिस बुक बाय एनी चांस लैंग्वेज लिटरेचर एंड क्रिएटिविटी प्लीज ओपन पेज 85 जस्ट ओपन पेज 85 द न्यू काला हांडी Can someone read it aloud for me? I want a volunteer who will read. Come on. Read it loud and clear. The new Kalahandi. Standing in his paddy field that glistened in the afternoon sun, farmer Gauranga Rana had his worries. What would happen to his bumper harvest? Would he be able to sell it at the minimum support price announced by the state government? These are concerns any farmer would have. What makes Rana's problem and that of others in Bandigaon village in Jaipatna block a happy one is that his village is part of Kalahandi, once a name that stood for hunger in one of the country's most deprived regions. Now as the Union Agriculture Ministry announced last month, Kalahandi ranks among the top 25 rice producing district of India. Just wait for 1 minute. Did you hear this last statement? What did he say? Can someone repeat this statement without looking at the book? What did he say? One minute. So he says it ranks 25th. Now, is that what the statement said? What did he say? I want precision here. Among the top. I want you to understand something here. You know, you must learn the art of communicating with precision. You must speak precisely and always think a little bit before you utter your sentence. हमेशा थोड़ा सा सोच के बोला करो ये जो आखिरी वाक्य था अब मैं दोबारा कह रहा हूं एक कोई हाथ उठाए जो मुझे बिल्कुल जैसा उन्होंने पढ़ा था वो भावार्थ उसका स्पष्ट रूप से मुझे बता दे What did he exactly say? You don't have to repeat the words, but the same sense. कौन करेगा What did he say? Any idea? Well, bolo. Come on, yeah. Kalahandi ranks among the top 25 rice producing districts of India. That's it. That's precision. Okay. So you must learn to communicate precisely what you have heard. This doesn't mean you must memorize that sentence. You follow that. Don't go into that game. Usko samjho. समझने के बाद अपने शब्दों में उसी तरह से स्पष्ट रूप से समझाओ तो एक बात तो ये हुई इसको एक तरफ अभी रखते हैं व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस कालाहांडी इज नाउ अमंग्स द टॉप 25 राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स डज इंडिया हैव Is this reliable? आप जब गूगल पे जाते हो तो कभी मन में शंका भी होती है suppose I make my own website and I put over there India has 100,000 districts and I put it there and you do a Google that thing will come there. How will you know that the information is correct?
Yeah, yeah, but I mean, I could say according to census of 2011 in Dinesh Singh's website. I read it a month back. What? I read it a month back on the census website. A reference is given, we'll go and check that reference. So, when you do a Google, so I don't know your name, beta. Pooja. Pooja, you did a Google. What site have you opened? Sir, how many districts in India and Wikipedia? No, no, what's the name of the site? Wikipedia. It's Wikipedia. Do you know how Wikipedia runs? Does anyone know how Wikipedia runs? So you don't know. Anyone can edit it. Is it that free? It's not that free. Okay, so I'm giving you homework now. See, you must learn to be a little critical also of the information you get. Don't just accept things all the time at face value. Think a little. Kahan se aa raha hai? Kaun bata raha hai? Kitni reliability hai? You must think about that. So there are two or three things I want you to understand. One, be precise in what you say. You know, someone said, Kalahandi is amongst the top 25 districts, or not even among 25 districts or something that produce. Must be very, very precise. Second, whatever information you get, particularly on the web, you must develop a sixth sense, an intuitive way of critical thinking, so that you know this information is likely to be reliable or not reliable. You must understand, web doesn't mean it's correct. Don't make that mistake. Google is not God. No search engine is God. All they do is whatever is on the web, largely they will produce it before you. Now it's up to you. I could set up a site and say, this is not the University of Delhi, this is the University of Gurgaon. And I give you the picture of my office. How will you know? If you're not from Delhi, you may not know. Then how do you judge? So I want you to think about this. Information on the web is not always, what is my emphasis? Not always reliable. You have to be careful. Okay, so we go back to Kalahandi. Now, do you realize it is amongst the top 25 rice-producing districts of India? I believe this information is reliable for many reasons. Why? It is in a book that has been authored by University of Delhi professors over a period of time. It has been critically examined by other people who were on the editorial board, and it has been looked at from many angles. Bahut logon ne is kitab ko dekha hai, samjha hai, tab is kitab ka prakashan hua hai. Then it has been published. So I believe this information is reliable. Plus, ye jo article hai, iska reference bhi diya hoga. Where is this article from, beta? Devabrata Mohanty. Devabrata Mohanty is the writer. Haan, kahan se liya hai? It's a news report. Mohanty वहाँ पर गए थे, वहाँ उन्होंने farmers से बात किया, समय लगाया, फिर ये report file किया. Right? Okay, now I want to ask you, just a few years ago, Kalahandi was amongst the poorest districts of India. There was no crop production, no water. People were dying of hunger. Now what is the situation amongst the top 25? Do you think there is something happening in India? That Kalahandi has made progress? Do you believe this? Is this a sign? Can we take this as a sign that India is making some progress? Yes or no? Yes. You all believe this? Yes. Okay. One last, someone give me another example of India making progress. Sports. Okay. Indian cinema. Okay. So, are you talking of Bollywood or Indian cinema? Bollywood mein kaun si cheez? Dance. अभी इंग्लैंड से एक केवा आया था छात्रों का लड़के लड़कियां आए थे तो वहां उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम पेश किया उसमें गेस करो क्या पेश किया बॉलीवुड डांस तो बॉलीवुड डांस की भी काफी चर्चा अब होती है पर मैं कुछ और भी ढूंढ रहा हूं कोई अभी आपने कुछ कहा किसने कहा स्पोर्ट्स बताओ भाई कैसे लगता है कि इंडिया कुछ बढ़ रहा है क्यों स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के आधार पे कैसे पता चलता है बताओ रहे हैं कि नंबर वन टीम बन गए टी20 में भी और टेस्ट में भी हम बहुत दिनों तक फर्स्ट रैंकिंग पे रहे हैं हाँ, और वनडे में भी हमने पिछला वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट में तो यह स्पष्ट तौर पे जाहिर है वहां टेनिस में भी हम आगे बढ़ रहे हैं
और बैडमिंटन में साइना नेहवाल जैसी खिलाड़ी उभरी हैं। ओलंपिक में कभी हमारे पास 5 मेडल से 6 मेडल से एक बार नहीं आए थे, इस बार मेडल्स आए। हालांकि हॉकी में जरूर हम पिछड़े हैं, मगर नहीं, ये जरूरी नहीं हॉकी में हम पिछड़े नहीं, लेकिन और देशों ने भी प्रगति कर ली है, ये मानो तुम, ठीक है। चेस में भी आगे हैं, कई बैडमिंटन में आगे आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन जो पॉपुलर नहीं है उनमें, ये ऐसे अचानक नहीं हो रहा है, कहीं तो भारत में कुछ भला हो रहा है। इसका ये अर्थ नहीं कि अब भारत ने विकास कर लिया है, हमारे तमाम और समस्याएं हैं, परंतु लग रहा है ना कि भारत कुछ कुछ आगे बढ़ रहा है। ठीक ठीक है, तो मैं आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। दिस कोर्स, दिस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम, व्हाट इज दिस अबाउट? I want to ask you this question again. What have we discussed? This is part of your program. What are we looking at here in this class today as part of your Bachelor of Technology Humanities? What have we been talking about? Did I talk about India? Is that what I was focused on? What do you think? I was focused on India or Gandhi? Or was I focused on the definition of technology? Or was I focused on, what is it? What do you think this discussion is all about? Our program, how we should correlate these things with our program, what is the definition and what is the objective of our okay, that's what you feel, okay. Any additions to this or changes to this? Speculation. Speculation. Regarding your subject, what we're doing. Speculation about what we're doing, tell me. Broadening our perspective. Broadening your perspective. Perspective of the mind? Yeah. Broadening the perspective of the mind. Okay, now somebody has to remember this. एक इन्होंने कुछ कहा था पहले, कुछ कहा था मन की सोच बदल रहे हैं, ये कहा था ना कुछ इसी तरह, एक इन्होंने कहा ब्रॉडनिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंड। हु विल रिमेंबर दीज टू स्टेटमेंट्स? समबॉडी, यू कीप ट्रैक ऑफ दिस, ओके, टू स्टेटमेंट्स। नॉट दैट व्हाट यू सेड इज नॉट करेक्ट, दे आर ऑल गुड गुड स्टेटमेंट्स, बट आई वॉन्ट दिस फॉर लेटर यूज। आप बताइए, हैव एनीथिंग टू से? व्हाट वॉज दिस डिस्कशन अबाउट? ये जो आज हमने डिस्कशन किया, व्हाट डू यू थिंक वी वर, वाज आई रियली वांटिंग यू टू लर्न अबाउट गांधी और फैज अहमद फैज और टेक्नोलॉजी स्पेस और व्हाट कालाहांडी और देयर समथिंग लिटिल हायर देन दिस और अ लिटिल डिफरेंट व्हिच कंटेन्स ऑल दिस? आई थॉट बाय अ डिग्री इज बीटेक टेक्नोलॉजी इन ह्यूमैनिटीज। यू थॉट अबाउट दैट? व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इन ह्यूमैनिटीज? एंड डिड यू गेट एनी आंसर? यस। बोलो। Everything is technology that we do means that मतलब जो चीज़ हम आसानी से करते हैं, suppose I write, अगर मैं पेन की मदद से लिखती हूँ, अच्छा लिखती हूँ, तो that is technology की वो मेरा काम आसान बनाती है लिखने का। कलम, she says I use the pen, that is technology, everything is technology, correct? Okay, I accept that. जो भी मेरा काम आसान बनाती है चीज़। Anything that makes it easy, technology, so you call it bachelor, and everything should be called bachelor of technology. Why do we have a BA degree? Why do we have MA degree? You should just call it a technology degree because everybody uses a pen. Maybe you should. I don't know. I have no idea. I want you to tell me. Should we? ये degrees के साथ जो nomenclature जुड़ा रहता है, Bachelor of Arts, Bachelor of Humanities, Bachelor of Science, Master of Science, ये उचित है क्या? अगर आपने 2 साल मास्टर्स पढ़ लिया, एमए एमएससी, तो आप मास्टर हो जाओगे साइंस के, आपको लगता है? तो ये उचित है कि अनुचित है, या इसका कोई महत्ता, इसकी कोई महत्ता नहीं है? लेवल हमने बनाई है ताकि हम चीजों को डिफाइन करें, ऐसे तो हम कोई भी चीज। बैचलर्स से क्या होता है? बैचलर होना अच्छा है कि बुरा? भाई लड़के लोग यहाँ पर बताओ, बैचलर होना अच्छा है कि बुरा? मैं तो शादीशुदा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं डांट पड़ेगी मुझे। आप लोग बताओ, बैचलर होना अच्छा है? प्रायोरिटीज में ये देखो, ये सही सोच रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। ये कह रहा है प्रायोरिटीज पे, किस चीज की प्रायोरिटी बताओ? सर डिपेंड करता है, लाइक मे बी हमारी थिंकिंग एज अ यूथ ये है कि हम लाइक बैचलर होना अच्छी बात नहीं, बट द थिंग हमारी, अगर हमारे पास पैसा नहीं है और जॉब नहीं है, बैचलर ऑब्वियसली हम किसके साथ, अपने साथ कौन रहेगा? कोई रहेगा ही नहीं, हमारी एक स्टेटस भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, पीएचडी का क्या मतलब होता है? आपने फ्रेंच में पीएचडी की, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कैसे हो गए? ये फिलॉसफी है कि फ्रेंच भाषा सीखी, इसका क्या मतलब है?
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फिजिक्स, इसका क्या मतलब? फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि फिलोसफी पढ़ रहे हैं? फिलोसफी का मतलब ही होता है लव फॉर नॉलेज. क्या मतलब होता है? लव फॉर नॉलेज. फिलोसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज. और ये लॉजिक से जुड़ा हुआ है, तो हर चीज में लॉजिक की तो जरूरत. डॉक्टर क्यों कहते हैं कि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको? डॉक्टर, इसका क्या अर्थ हुआ? क्यों कहते हैं? कोई बताए, मुझे समझाए, क्यों कहते हैं? बताओ भाई. तो डॉक्टर क्यों इंजेक्शन लगाते हो क्या? वो हमने बना दिया, हमने बना दिया. फादर ऑफ फिलोसफी हो सकता था. फादर ऑफ फिलोसफी, देखो ये तो डॉक्टर को पेशेंट आता था, डॉक्टर को मालूम होता है कि उसे क्या बीमारी है, उसके बारे में नॉलेज होता है. फिजिक्स पढ़ता है तो उसे अगर फिजिक्स के बारे में सारे नॉलेज है तो दिस डॉक्टर. तो मास्टर क्या है भाई? मास्टर भी है, डॉक्टर भी है, ये कैसे, ये क्या है? मैंने डॉक्टर का डिफरेंस नहीं किया. डॉक्टर कह दिया तो मास्टर क्यों देते हो भाई? हाँ भाई, क्या क्या कहा आपने? लीडर ऑफ फिलोसफी. ये क्या खेल है, सोचा है कभी इसके बारे में? अगर अपनी यूनिवर्सिटी चलानी हो तो क्या कहोगे? चाहे बताओ, भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज थी प्राचीन काल में कि नहीं? नालंदा कब थी? व्हेन वाज नालंदा? शाबाश. तक्षशिला कब थी? 300 BC. ओके, आई वांट यू एज होमवर्क टू टेल मी, नालंदा में कोई डिग्री दी जाती थी, कोई उपाधि दी जाती थी? डिड दे अवार्ड एनी डिग्रीज? व्हाट डिड दे कॉल दोस डिग्रीज? इफ दे डिड, हाउ डिड यू गेट देम? कैन यू फाइंड दिस आउट फॉर मी? सिमिलरली फॉर तक्षशिला. ओके, आई वांट यू टू गिव मी सम फीडबैक ऑन दैट. So groups will submit their reports. I don't want individuals, a group here, group there, you submit a joint short report. I don't want long reports, and all soft copy, no hard copies, okay? Is that clear? Is there someone in each group that is responsible for the group's activities? Ek ek koi coordinator har group mein ban jaye. Aap log swechha se apna khoj lijiye aur bana lijiye. Is that clear to everyone? Yes, sir. Well, you're having an election, is it? कल हो रहा है, परसों है, कब है इलेक्शन? तो ये भी डाल दीजिए, उसी में मतदान कर लीजिए अपना. सो व्हाट अबाउट इलेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, व्हाट डू यू थिंक? इज दैट अ साइन ऑफ प्रोग्रेस? हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाइक दिस? एनी आइडिया? डज द यूनाइटेड स्टेट्स हैव दिस? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, डज इट हैव दैट? नो, दे हैव वोटिंग सर्टेनली. But do they have electronic voting? In this large country, itna bada desh hai, itni badi jansankhya hai, aur hum electronic voting kar lete hain aur logon ko isse aapatti nahi hai. Gareeb, ameer, sab queue mein khade hokar jaakar matdan dekar aate hain. Usi ballot box mein dete hain, machine mein laga ke aate hain. Har koi. Don't you think this is a sign of progress? And 2-4-5 din mein result aa jata hai. Pehle to गिनती करते थे, फिर दोबारा करो साहब, एक कागज यहाँ छूट गया, कागज में गलत ठप्पा लग गया, वो फर्जी है, ये है, अब वो सब खत्म हो गया है. इट्स ए ह्यूज साइन ऑफ प्रोग्रेस. बट आई वॉन्ट यू टू थिंक, सपोज आई वॉन्टेड अ रियली गुड सिस्टम ऑफ वोटिंग इन द फॉलोइंग वे, इज इट पॉसिबल? मैं इसका आंसर चाहता हूं. हाउ? आज क्या है सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए इलेक्शन को लेकर? कि बहुत ज्यादा धन राशि का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा कैंपेन करना पड़ता है, उसके लिए मीटिंग्स बुलाओ, पोस्टर्स लगाओ, तमाम जगह जाओ, गाड़ी का खर्चा, आदमियों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, काफी खर्च होता है. ये खर्च जो है, इज दिस गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी? जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है, जो खर्च हो रहा है तो इकोनॉमी स्टिम्युलेट हो रही है या इससे नुकसान हो रहा है? हैव यू थॉट अबाउट दिस? यू हैव डेफिनेट व्यूज ऑन दिस? देन आई वांट रिपोर्ट्स ऑन दिस, नॉट मोर देन 2 पैराग्राफ्स. हैव यू गॉट दैट? लंबे लंबे भाषण नहीं लिखना. आई वांट यू टू टेल मी, राइट? एंड माय सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी
Do you think with the help of technology we can devise a better system of voting जहाँ इस तरह के campaigning और उसके साथ जो खर्चा है उसकी जरूरत ना हो? ऐसा हो सकता है भारत में कि नहीं? सोच के जवाब देना. आई विल आस्क फॉर आंसर्स टू दिस. ओके, आई कम बैक टू माई क्वेश्चन अगेन. वॉट डू यू थिंक दिस होल क्लास हैज बीन अबाउट? वॉट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? How to observe things. To learn thinking beyond the box. Beyond the box. What do you mean by box? Box ka kya arth hota hai? Kaun sa box, bhai? Beyond the box. Good. Beyond the box. Get out of the beaten path. Thoda hat ke. Aapko lagta hai Mahatma Gandhi was out of the box? The? Ek udaharan do. ये नहीं था जो हाँ मैंने एक दिन खा लिया तो मेरा वचन टूट गया. आखिरकार उन्होंने फिर वहाँ पे अंडा खाना छोड़ दिया और फिर उन्हें महसूस हो गया मैंने गलती की. I don't think it was out of the box because he just followed truth. All the actions that consequentially happened after following truth were out of the box. But I don't think he planned on being out of the box. Everything was just such. So, you know, following such and whatever the actions were, they ended up being radical. Okay, let's see. She says he followed the truth. Now, is that out of the box? No. Okay, so let's be a little careful here. ये कहना कि सब लोग ट्रूथ या बहुत कम लोग ट्रूथ फॉलो करते हैं या कोई नहीं करता है, ये थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा. If you look in the context of history, do you think Jesus Christ followed the truth? He did. पैगंबर साहब, he followed the truth. गुरु नानक, he followed the truth. भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, they all followed the truth. So did Gandhi do anything new? Ahimsa? They were all non-violent. Ahimsa. So in that sense, he didn't do anything new. Remember what Gandhi said. I have done nothing new in my life. Truth and non-violence are as old as the Himalayas or the hills. He said that. Remember? But do you think in spite of that, was he out of the box or not? Yes, in some way. Yes? As a people for freedom struggle. Freedom struggle. So in the context of the freedom struggle, did he go out of the box? Yes. How? The Dandi March. Dandi March, okay. One thing. Before Gandhi's time, freedom struggle tha ke nahi tha? बिल्कुल था. बड़े महान हस्तियां थी. श्री अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, तमाम लोग थे उधर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सब थे. सबने अपने तरीके से बहुत महान काम किया, सबने. गांधी ने क्या किया जो औरों ने पहले नहीं किया था? ऐसा क्या किया? जोड़ा. अच्छा, कैसे जोड़ा? वो खुद लोगों के पास That was out of the box. Salt law todana hai. It was really in some ways out of the box. Haan, bolo. There is a difference between understanding others' feeling and feeling others' feeling yourself. Okay. So he had this compassion and attachment and understanding for the poor common person of India. Okay. Out of the box, unki tarah veshbhusa. Ekdam usi tarah. जैसे आम आदमी था. मगर एक बड़ी चीज जो मुझे लगती है, देखो सिर्फ मैं कह रहा हूं इसका ये अर्थ नहीं होता है कि ये सत्य है, तुम्हें सोचना चाहिए. यू हैव टू टेल मी वेदर इट मेक सेंस. गांधी ने एक काम किया शुरू में ही, एक स्ट्राइक कॉल दिया फॉर द होल ऑफ इंडिया. पहली बार ऐसा स्ट्राइक कॉल कभी किसी ने दिया नहीं था. दैट वॉज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स. समझ रहे हो? दैट वॉज अ बिग deviation from established practices. India bhar ke liye strike call diya tha. It was a major deviation from the beaten path. But that doesn't mean that he was out of the box. There may be other reasons. You have to think about it. Okay? Right. So we are, he says, trying to be out of the box here in this class. Is this an out of the box class? Arey bhai, sab dibbe se bahar gir jaoge. Thoda dibbe mein bhi rehna chahiye ki nahin? Should we stay in the box or not?
Do you think we should sometimes stay in the box? We should? Good. I'm in the box now giving you a surprise test. How about that? You're happy with that? Suddenly you don't want to be in the box now. Okay. So, out of the box, what did he say, madam? And he? Soch ko badalna. Out of the box, soch ko badalna, broadening the perspective. Let's get back again. So, what is this course about, BTech Humanities? Tell me. First, observing, then doing things. But I could be doing that in my science course. So, I'll call it BTech Science. Why call it BTech? Because more than, removing that boundary line, what he said, from humanities and science, I think it's removing the boundary from humanities itself. Like, you know, how people understand humanities, that you're going to be having a book and you're going to study the general, perception of humanities. They're saying, how about you study humanities-oriented subjects and with full blow apply it to the practicality of life, you know? Okay, let's look at this carefully. Have you heard of the name Pingal? Let me write this down. Okay. Can anybody throw any light on these two words? If not, do a Google on this. Did you get something? Google mein aaya kuch? Well, your old friend Wikipedia will pop up. Sabse pehle Wikipedia hi aata hai na hamesha? Are you happy about it or not? You're doing that homework on Wikipedia that I gave you, right? Okay. Now, I want you to tell me a little bit about Pingal. Each group has to tell me something about Pingal using the two keywords that I have set here. Anybody ready to tell me something about Pingal? Pingal Bharat ke prachin ganitagya aur chhand shastra ke rachayita the. Chhand shastra. What's that in English? Chhand shastra. Sorry? Verse. Chhand. Chhand. Who will translate chhand for me? Chhand. Prosody. What is that? What is the correct pronunciation of this word? Who will pronounce this for me? No, no, Dhuniya sahab, dictionary mein iska pronunciation dekhiye. Pattern of rhythm and sound used in poetry. Pattern of? Rhythm and sound used in poetry. Pattern of rhythm and sound using poetry. But I also want the pronunciation of the word. Which dictionary are you using? Okay, there's a dictionary called dictionary.com. If you go to that, then there is a audio pronunciation of the word. If you click on that, everybody can hear the word. Go to dictionary.com and then search for this word. You got it? Haan, bolo bhai, sunao phir se. Sunao, sunao. Prosody. Suna, phir se sunao. Sab sunao, sab apne computer se bajao. Prosody. Theek hai? Ye bhai ye. Out of the box hona chahiye, lekin itna bhi nahi. Okay, so you got some idea? Achha, paribhasha kya hai prosody ki? What is the definition of prosody? You just said it. Abhi tumne kaha, kisne kaha? Haan, batao, phir se batao. Pattern of the rhythms and sound used in poetry. Pattern of rhythm and sound using poetry. Ye humanities lag raha hai ki nahi? Rhythm and sound and poetry. Poetry. Lag raha hai ki nahi? Right? अभी तुमने पिंगल के बारे में क्या कहा गणितज्ञ भी थे गणितज्ञ और पोएट्री व्हाट डज पोएट्री हैव टू डू विद मैथमेटिक्स पाणिनि के अनुज थे चलो ये भी मान लिया लेकिन पोएट्री और गणित का क्या लेना देना दोनों से रिदम होता है दोनों में रिदम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का और पोएट्री अच्छा मुझे ऐसा लगा तुम्हें ऐसा लगा ठीक है अपनी सोच है
I want you to think about this. Pingle ne mathematics ko poetry ke saath joda hai. You know, he created new meters in poetry. Meter. Meter samajhte ho? Gaj wo nahi. Ye kaun sa meter hai? Poetry ka meter. Right? Meter ki paribhasha dodo. उन्होंने नए मीटर्स बनाए पोएट्री में. कैसे बनाए? बाय परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स. ये मैं काफी कुछ बोल गया यहां. देयर इज सम मैथमेटिक्स हियर. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स एंड शॉर्ट साउंड्स, राइट? दैट्स पिंगल. नाउ दैट्स पोएट्री, दैट्स मैथमेटिक्स. यू सी दैट? उसके कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, Pingal discovered a mathematical object. It's called the Meru Prastar. Let me just tell you. Meru Prastar. I was trying to show it on the screen, but what does Meru mean? Mountain. Mountain. In this context, mountain steps. Steps leading to the mountain top. Meru Prastar. What did he do? He actually invented what we now call Pascal's triangle. Okay? Now, when was Pingal around? Batao ji. BC. 400 BC. 200 BC. As far as I remember, 200 BC. 200 to 400. Okay. Sometime around before Christ, right? When was Pascal around? Batao ji. Sab malum hai. Thoda effort karo. Kya naam hai aapka? Akash. To Akash ki aur udo. Mehnat karni padti hai, bhai. 17th century. आकाश बताइए, पैस्कल कब थे? नहीं नहीं, आप ढूंढ के बताइए. राहुल तुम बताओ, पैस्कल कब थे? सर, फ्रॉम 19 जून 1623 टू 19 अगस्त 16th. व्हिच सेंचुरी इज दिस? 17th सेंचुरी. तुम बताओ भाई. 1600 टू 17th. कौन पहले सुना था या आज पहली बार नाम सुना? पहली बार सुना. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ पैस्कल इन द पास्ट? ओके. तो पैस्कल्स ट्रायंगल ये वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाता है. एटलीस्ट 1800 इयर्स बिफोर पैस्कल, पिंगल ने इसका आविष्कार किया. व्हाट इज द ट्रायंगल? डज एनीवन नो दैट? Can you see a pattern emerging here? What is this? You see this, it just keeps going down. But if you look at it, these are steps leading to the mountain top. Right? Okay, you have one here. You have one, one. How did I do this? So here's the method. You look at the box below on this row, this box. How many boxes on top of it that touch with? Touch it. Only one. Bring that number down. This touches one, bring that. How many boxes does this touch? One. Bring that number down. How many does this touch? This and this. Add the numbers and put them here. How many does this touch? Add that number and put it here. One. Now tell me, what should I put here? One. Over here? Three. Here? Three. One. Yeah? Can you go one row below and tell me quickly? Jaldi se karo. Ek row aur karo. Okay, good. Now, what are these numbers? Ye to tarika maine bata diya. But what are these numbers? Can you see them? Can you guess what they are? Multiples of 11. What? Multiples of 11. Multiples of 11? Yes. Are they multiples of 11? Yes. What's the next row?
Is that divisible by 11? 1 is not divisible. Okay, these are separate numbers. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Sir, you're multiplying. We get the doubles after 15. No, that's the method. But yes, do you see this number? What are 11. They? 1, 4, 6, 4, 1 is a multiple of 11. 11, yes. Yeah, what about this? 1, 3, 3, 1. You multiply it to 1, 2, 1. Yes, 11 and they're all multiples of 11? Yes, sir. Yes. Keep doing that. Let me see if you can tell me if everything is a multiple of 11, number one. But more importantly, I want you to tell me something. Have you heard of binomial coefficients? What's a plus b square? Yeah, a plus b the whole square. What is the formula? A square plus 2ab plus b square. What's the coefficient of a square? What's the coefficient of a square? 2c0. What's the coefficient of a square? 1. 1. What's the coefficient of ab? 2. What's the coefficient of b square? 1. A plus b cube. Plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. 1, 3, 3, 1. What are these? These are binomial coefficients. See? Now, where is this coming from? From poetry, from rhythm, from sound. Now, is that humanities or is this technology or is this science or what is it? Can you say? Is that easy? Even if you look at non-traditional ideas, see, bada mushkil hai ye, hum apne se kuch preconceived notions ko lekar chalte hain. इन लाइफ की इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको नहीं कहते हैं इसको ये कहते हैं इसको वो कहते हैं वो अच्छा है ये बुरा है बड़े रेयरली लाइफ में इतने क्लियर कट डिमार्केशंस होते हैं और मेरी समझ से हमें सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में वी मस्ट थिंक अ लिटल अबाउट दिस आई एम कमिंग बैक टू दिस नाउ देयर इज वन मोर वर्ड आई गिव यू सो व्हाट वर द थ्री फ्रेजेस कैन यू रिकाउंट आई फॉरगेट योर नेम आई रिमेंबर्ड इट Janvi, yes. Janvi, what were the three phrases we had? Broadening perspectives. Yeah. Soch badalna. And the third, I don't remember. Oh, God. Out of the box. Abhi maine kya kaha fourth? Think. Fourth. Please, likh lo, nahi bhul jaogi. Think. Okay. Now, look. I come back to this. We discussed Kabir. Did we or did we not? We all discussed Kabir. Kabir kab hue the? Kis shatabdi mein the? Kahan rehte the? Adhikansh roop se Kabir kahan rahe? Kasi, Banaras. Banaras. Kahan se dekha? Padha hua hai. Achha. Sabko malum hai? You believe Kabir was in Banaras? How many of you have been to Banaras? Has anyone been to Kabir Chora in Banaras? Gaye ho? आकाश कबीर चौरा क्या करने गए थे घूमने गए थे वहीं पे हाँ तो एक फ्रेंड था मेरा हाँ। वो भी एडीयू में है तो उसके साथ ही गया तो तुमने सोचा इसको कबीर चौरा क्यों कहते हैं अच्छा वन मोर होमवर्क कबीर चौरा को कबीर चौरा क्यों कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कबीर चौरा को कबीर चौरा क्यों कहते हैं ये मुझे कृपा करके अगली क्लास में बता दीजिएगा कबीर ने तमाम रचनाएं उनकी थी कविता की तमाम रचनाएं थी एक उनका दोहा है माला कहे काट की तू क्यों फेरे मोए मन का फेर ले तुरंत मिला दूं तोए कैन समवन एक्सप्लेन दिस टू मी कौन समझाएगा से भला नहीं होगा अपने मन में जो गलती है उन जो अपनी चीजें गलत है उनमें बदलो उनको मतलब उनका नंबर काउंट करो तब तुम अपने आप को बदल सकते हो वरना नहीं बदल सकते हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस लाइक्स और डिसलाइक्स फेसबुक में आते हैं कहां आते हैं लाइक्स कितने हैं बताओ जी लाइक्स अरे अच्छा बोला भाई वो अब मैंने कह दिया तो इन्होंने मान लिया ओके डिसलाइक्स कितने हैं नहीं, मुझे कोई डिसलाइक नहीं अच्छा बोले तो
और कोई someone wants to add to this? फिर से सोचो क्या कहा मैंने. माला कहे काट की तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर ले तुरंत मिला दू तो. शादीशुदा औरतें जो है उनको घर में टाइम नहीं मिलता and some of them are working. तो मेट्रो में खड़े खड़े जैसे तैसे just they have to do it so they do it. मुझे नहीं पता कितना फायदा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती उस पर, बट वो क्यों करना, दिखाने के लिए करना है इसीलिए करना, मतलब दे थिंक वही करने से सब हो जाएगा, दिल वट एवर भगवान से ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे वट एवर. इससे अच्छा दे सिट खुद एक्चुअली खुद का एनालाइज करे एंड वो क्या कर रहे नहीं कर रहे उसको फिर सोचे तो शायद ज़्यादा काम करे. ओके जस्ट वन मोर एडिशन टू व्हाट ही सेड एज एन एग्जांपल. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू कमेंट ऑन दिस. Anything? Yes, bolo. So I feel कभी people are so blinded by the need कि भगवान मिल जाएगा बाहर, तो जो मतलब life में जितना ही problem आता है एक वो रहता है sense of faith कि अगर बाहर भगवान मिल गया तो सब समझ जाएगा, अगर एक faith जो Indians specially लेके चलते हैं अपने दिल में. I feel अगर वो अंदर देख लें खुद में भगवान है, मतलब ये truth को simply समझ ले तो शायद pain भी suffering में convert नहीं होगा, you know. Like एक statement है कि pain just lasts for 12 seconds, anything more than that is self-inflicted. तो आई जस्ट फील कि एक टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ को बुरा बना देना, ओवर थिंक. आई एम नॉट गोइंग इन दैट टेंजेंट राइट नाउ, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि माला ऑल इट सेड्स इज दैट यू आर गॉड इनसाइड, स्टॉप लुकिंग फॉर एंकर्स आउटसाइड. ओके सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जरूर नहीं है कि माला करने से भगवान आएंगे. यदि आपके विचार आपका नजरिया अच्छा है दूसरे के प्रति तो आप ठीक, आपके अंदर भगवान है. और महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि और आपके अंदर वो सत्य है. तो मैं बहुत देर से कहना चाहता था, महात्मा गांधी ने बात कही थी कि मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूँ कि जहाँ पर अहिंसा है सत्य है वहाँ पर ईश्वर है. ठीक बिल्कुल. यहाँ पर एक बात और, हाँ कहो. यहाँ पे माला फेरने की बात जो की गई है वो हम बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं और उसके बाद एक टूल बनाए हुए हैं, एक माला जिसे हम फेरने लगते हैं और लोगों में विश्वास है कि माला फेरने से हमारा उद्धार हो जाएगा, भगवान मतलब मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर कबीर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जितने भी गलत जितनी भी बुराइयाँ हैं उसे तुम अपने अंदर से दूर कर लो, भगवान तो यूं ही मिल जाएंगे. अच्छा और कुछ? कबीर कह रहे हैं कि माला बोल रही है, काठ वाली माला, काठ के होते हैं ना वो, कि भाई मुझे क्यों फेर रहे हो, मन के विचारों को फेर लो, बदल लो. तो तुरंत मिला दूं तोए, पर किस चीज से मिला दूं? वह चीज जो तुम्हें प्राप्ति की इच्छा दे रही है, जो भी हो. देखो भगवान क्या है कौन जानता है, अपनी अपनी परिकल्पना है, अपना अपना विश्वास है. कुछ लोग कहते हैं मानो तो भगवान है नहीं तो पत्थर है. गांधी कहते थे कि जिसकी जिसमें आस्था हो वही उसका ईश्वर है, नास्तिक के लिए उसकी नास्तिकता ही धर्म है, ईश्वर की ओर ले जाएगा. मगर आस्था होनी चाहिए किसी चीज में, उसको मान लो. पर उसकी प्राप्ति जब चाहते हो तो उसकी प्राप्ति ये सब करने से मिले न मिले, परंतु जब मन की सोच बदल लोगे तो तुरंत प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं आएगी. गांधी ने मन की सोच बदल ली अपनी, फैसला कर लिया कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, सोच बदल ली अपनी, मैं अंदर से अपने को सुधारूंगा, सत्य से जुड़ के और सत्य का ही जीवन उसका निर्वाह करूंगा. तो फर्क आ गया, गांधी ऊपर उठ गए, उद्धार हुआ उनका. आइंस्टाइन ने तय किया कि मुझे अंतर नहीं है कि मैं पैटेंट क्लार्क थर्ड क्लास बनूंगा बर्न के ऑफिस में, पैटेंट ऑफिस में, पर धर्म जो मेरा है फिजिक्स उसको मैं निभाऊंगा आउट ऑफ द बॉक्स. 9 से 5 पैटेंट क्लार्क ही करते थे, उससे पहले और उससे बाद में फिजिक्स सोचते थे और उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी का उसी समय आविष्कार किया, उसी समय जब पैटेंट क्लार्क थे. तो मन का फेर ले. सीवी रमन थे, वो अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में काम करते थे 9 से 5, 9 के पहले और 5 के बाद. इसको कहते हैं मन का फेर लिया, विचार बदल लिए कि नहीं साहब मैं अब अकाउंटेंट हूं, फिजिक्स चाहता तो हूं नहीं कर पाऊंगा. नहीं, फेर ली सोच अपनी तो फिजिसिस्ट बन गए ना, तुरंत मिला दू तो. ये मन की बात है, मन को बदल लो. इसीलिए मैंने शुरू में कहा मन से जो हार गया
वो हर चीज से हार जाएगा. मन, सब कुछ मन पे है. इट्स ऑल इन द माइंड. अब बताओ वो चार कीवर्ड्स क्या थे, फिर से बोलो जल्दी से. ब्रॉडनिंग योर पर्सपेक्टिव. ब्रॉडनिंग योर पर्सपेक्टिव सब मन से जुड़ा है. फिर सोच बदलना. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. एंड थिंक. यू मस्ट थिंक. दिस इज इट. दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव. इज दिस अ टूल ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉट? इससे बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. इसी को हम आपके साथ मिलकर बदल देंगे इस कोर्स में. इसलिए इसका क्या नाम है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटीज. अब समझ में आया? टेस्ट दे दोगे इस पे? अच्छी बात है. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई सी यू टुमारो. बाय बाय.